Hello everyone. In this lecture of digital electronics or digital system design, we will talk about some max terms and mean terms. Before that, in last class we talked about the Boolean functions and the sum of product. Sum of product is nothing but the that is आप पहले आप product करोगे, product करने के बाद जो different terms होंगे उनका आपस में क्या कर दोगे, आप sum कर दोगे. This is defined as the sum of product. तो आपने क्या किया, पहले product कर लिया different variables का, whether it is complemented और uncomplemented form में है, और उन products का आपने क्या किया, जो ये terms थे आपके, इन terms का आपस में क्या किया, फिर sum कर दिया. Then हम इसे कहते हैं that is POS, sum of product, that is sorry SOP, sum of product, sum of products का हमने कर दिया. हमने देखा product of sum का, product of sum that is POS form. तो हमने पहले किया product of sum, तो हमने सम करने के बाद आपस में उन टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया. तो पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साले सम का हमने प्रोडक्ट कर दिया, नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. इसके बाद हमने कैनोनिकल फॉर्म देखा. कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि दैट इज ईच टर्म्स जो हैं वो सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स उसमें हैं, हर टर्म्स में सारे के सारे वेरिएबल एग्जिस्ट होने चाहिए. तो जैसे आप ये देखेंगे ए बी सी और बी सी, तो आपको ये देखने से पता जाएगा जो मैक्सिमम वेरिएबल इसमें कितने हैं, तीन हैं. लेकिन इस टर्म्स में देखें, अगर ये टर्म देखें, इस टर्म देखें, तो इसमें क्या है, सिर्फ दो वेरिएबल, इसमें तीन है. तो जब ईच टर्म्स में सारे के सारे वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, देन उसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म. ठीक है, तो इसमें आपके टेक्निक होती है, दैट इज आप एसओपी को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो जो भी वेरिएबल आपका मिसिंग होगा, दैट इज अगर हम ये इक्वेशन देखें, तो इस इक्वेशन में आपको जो मिसिंग वेरिएबल है वो आपका इसमें इस टर्म में बी है, इस टर्म में सी है, इस टर्म में ए है. तो जो भी आपके वेरिएबल मिसिंग है इसमें, तो उसको आप क्या करेंगे, सम करने के बाद प्रोडक्ट कर देंगे, या आप ऐसे करेंगे, दैट इज जो वेरिएबल मिसिंग है उनका सम करेंगे. और सम किसका करेंगे, दैट इज नॉर्मल और अनकॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेड और नॉर्मल, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड, उनका सम करके प्रोडक्ट कर देंगे. तो ये एसओपी फॉर्म में था, तो सम करके प्रोडक्ट करिए वेरिएबल का, तो अब जो आपका फॉर्म आपको रिसीव होगा, दैट इज आपका कैनोनिकल फॉर्म होगा. तो कैनोनिकल फॉर्म दैट इज ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी बार, इस तरह करके आपका इक्वेशन हो जाएगा. ये थोड़ा फॉर्म में लिखा है, इसलिए वैल्यूज जो हैं वो दाएं और मतलब आगे और पीछे इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है. और जो वैल्यू फिर बार बार रिपीट होती है, उसको आप क्या करते हैं, उसको सिंगल बार लिखते हैं, सिंगल टाइम लिखते हैं. ठीक है, इस तरह आपका कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. उसी तरह हमने पीओएस का देखा था. पीओएस में आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये आपका पीओएस फॉर्म में है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम दैट इज सम करके आपने उसको आपस में प्रोडक्ट कर दिया, तो ये पीओएस फॉर्म में आपका हो गया. इसमें मिसिंग वेरिएबल देख लीजिए, तो इसमें मिसिंग वेरिएबल आपका सी है, इसमें ए है, इसमें आपका बी है. फिर उनका क्या करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, पीओएस, तो जो आप मिसिंग वेरिएबल्स है वो ओरिजिनल और कॉम्प्लीमेंट करके जो मिसिंग है उनका आपस में प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, क्योंकि ये पीओएस है, तो प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, प्रोडक्ट करके सम कर दिया, प्रोडक्ट करके सम कर दिया. इसके बाद इनका जब इक्वेशन लिखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार, उसी तरह बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए बार. ठीक है, ये एक दाएं मतलब इसको एक ऑर्डर में लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, इसलिए ए बार पहले आ गया है. उसी तरह आप लास्ट को देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर देखिए ए प्लस बी बार प्लस सी. ठीक है, जो रिपीट होगा उसको आप रिमूव कर देंगे. तो इस तरह आपने क्या किया, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो अभी तक हमने इक्वेशन को जो होता है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था. अब इस कैनोनिकल फॉर्म के बाद इसमें आता है मैक्स टर्म्स एंड मीन टर्म्स. मैक्स टर्म एंड मीन टर्म एक्चुअली होता क्या है, बहुत इजी चीज़ है, कि जो मीन टर्म्स होता है, इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स विच कंटेंट्स ऑल द वेरिएबल्स. और जो वेरिएबल्स होंगे वो चाहे तो नॉर्मल फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, जो आपका प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन ऑल वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए है कि दो वेरिएबल ए और बी हैं, तो दोनों का आपस में क्या किया, एंड ऑपरेशन कर दिया, तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. तो ए एंड ए डॉट बी, और इसके जो कॉम्बिनेशंस आपके अवेलेबल होंगे, कॉम्बिनेशन दैट इज ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, ये इस हर टर्म में क्या होना चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल आपके एग्जिस्ट होने चाहिए. तो इसको हम कह सकते हैं आपके ये मीन टर्म्स हो गए. ठीक है, जो नंबर ऑफ मीन टर्म्स है, इट कैन बी डिफाइंड बाय इफ देयर इज एन वेरिएबल्स, देन नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके एग्जिस्ट करेंगे वो 2 टू द पावर एन मीन टर्म्स हो गए. ठीक है, उसी तरह अगर मैं मैक्स टर्म्स की बात करूं, तो मैक्स टर्म्स कैन बी डिफाइन एज द सम ऑफ ईच वेरिएबल, सम ऑफ द सम सम टर्म्स विच कंटेंट्स ऑल वेरिएबल्स. और वो वेरिएबल जो है नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स निकालने के लिए दैट इज 2 टू द पावर एन हो जाएगा, तो वहाँ एन जो होगा
एन इज द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल एग्जिस्ट हो रहे हैं तो उसको टू डी पावर एन करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्स टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि मीन टर्म और मैक्स टर्म एक्चुअली होता क्या है। मीन टर्म को आप कह सकते हैं सोप, दैट इज सोप मिनिमम यूज करो, सोप को मिनिमम यूज करो। तो एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन से जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है उससे जो आप टर्म्स मिलते हैं, ये आपकी जो टर्म है, ये आपका टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इन टर्म्स को हम बोलते हैं मिन, ठीक है। वहीं पी ओ एस पॉस में जो आपको आपको जो ये टर्म्स रिसीव होते हैं ये आपके जो होते हैं मैक्स टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मीन टर्म्स हम देख लीजिए क्या है, प्रोडक्ट है सारे वेरिएबल्स का और वो कॉम्प्लीमेंटेड या नॉर्मल फॉर्म दोनों में है और सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं हर टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मीन टर्म्स। तो जो मीन टर्म्स आपका एक्चुअली, अगर शॉर्ट में इसको समझना चाहें तो जो मीन टर्म्स आपका एक्चुअली डिफाइन होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर होता है। वहीं पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर जो आपके टर्म्स होते हैं उन्हें हम मैक्स टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन टर्म में जो आपका कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल होता है, दैट इज अगर सी बार है, ए बार है, सी बार है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो होगी। ध्यान दीजिएगा, एसओपी में जो आपके टर्म्स होते हैं इन्हें मीन टर्म्स कहते हैं, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स विच कंटेंट्स ऑल द वेरिएबल्स, एंड जो इस पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है इस कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं जीरो और जो नॉर्मल होता है उसको हम वन कहते हैं। वहीं पी ओ एस में जस्ट इसका उल्टा होता है, बस आप एक याद रखिए दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। पी ओ एस में उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज जो नॉर्मल है वो आपका जीरो होता है और जो बार होता है वो आपका वन होता है। तो इतना सिर्फ आपको ध्यान देना है कि मीन टर्म्स में जो आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम जीरो कहते हैं, जबकि मैक्स टर्म में जो नॉर्मल होते हैं उनको हम जीरो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म मालूम होना चाहिए। तो मीन टर्म आपके सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम मीन टर्म कहते हैं, जिसमें जो नॉर्मल होता है वो वन होता है वेरिएबल और जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल होता है उसे जीरो कहते हैं। सिर्फ एक याद रखिए, दूसरे याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का एक टेबलर फॉर्म है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि मीन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे और मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर सपोज दैट देर आर फोर वेरिएबल्स, 1, 2, 3, 4, मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल की काउंटिंग आपकी 4 है देन फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। तो 2 to the power n इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ आपके इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आपके कॉम्बिनेशन जो होंगे वो आपके 16 होंगे और कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक होंगे, आपके 0 से लेके 15 तक के आपके ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अब इसमें मीन टर्म्स क्या होता है और मैक्स टर्म्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया मीन टर्म के लिए जब 0 है तो 0 क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल्स को इसमें 0, 0, 1 के फॉर्म में किया, तो मैंने आपको बताया कि जो 0 होगा वो बार हो जाएगा और जो 0 नहीं है वो आपका 1 हो जाएगा मीन टर्म के लिए। तो आप देख लीजिए जो जो वैल्यू 0 है उसको हमने क्या कर दिया, बार कर दिया, ए डैश या बार करिए दोनों चीज़ एक ही है। तो यहाँ पे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी हो जाएगा। तो ये जो हम बता रहे हैं मीन टर्म के लिए बता रहे हैं। वहीं लास्ट अगर आप देखना चाहें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी और ये क्या हो जाएगा, 0 है तो ये डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। मीन टर्म को अगर इसमें अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इतने बड़े ये वेरिएबल्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m 0 से, ठीक है। तो कहीं भी अगर स्मॉल m 0 से फिक्स 0 लिखा हुआ है और मीन टर्म से अगर आपका, तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं अगर वो 4 वेरिएबल के हैं तो वो आपका a डैश, b डैश, c डैश और d डैश हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को डैश में होता है या बार होता है, वहीं जो नॉर्मल आपको होता है वो विदाउट बार होता है, ठीक है। वहीं मैक्स टर्म जस्ट इसका उल्टा है, जहां मीन टर्म आपको क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है वहीं मैक्स टर्म क्या होता है आपका एडिशन होता है, मैंने आपको बताया था पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो आपका ये मैक्स टर्म हो गया। मैक्स टर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं m 0 से, कैपिटल m से, कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेरिएबल के बीच में जो साइन होता है वो प्लस एडिशन का साइन होता है क्योंकि ये मैक्स टर्म है। और आप ध्यान दीजिएगा जैसे इसका जस्ट उल्टा होता है, जहां मीन टर्म में आपका बार हो गया था या डैश हो गया था वहीं मैक्स टर्म में ये जीरो वाले विदाउट बार हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे वन होगा मैक्स टर्म पे वहां पे क्या हो जाएगा आपका बार हो जाएगा, बार ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी। तो ये आपका हो गया मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपके वो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, दैट इज ये 12 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये मैक्स टर्म में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन टर्म से में स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को मीन टर्म में बार होता है और मैक्स टर्म में जीरो को नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है।
इसमें डॉट डॉट होता है मीन टर्म में, इसमें आपका प्लस होता है। सिंपल सा कुछ ध्यान क्या रखना है, एसओपी सोप मिनिमम यूज़ करो, सोप मिनिमम यूज़ करो। तो एसओपी फॉर्म में आपका होगा वो जो भी टर्म्स होंगे वो आपके मिन टर्म्स होंगे, और एसओपी दैट इज प्रोडक्ट में होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया ईच वेरिएबल को। वहीं ये आपका पीओएस होता है, तो हम इसको ईच प्रोडक्ट दैट इज ईच जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके सम के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं आपस में। यहाँ पर हम एक पॉइंट देख सकते हैं, दैट इज मीन टर्म का कॉम्प्लीमेंट मैक्स टर्म होता है और मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट मीन टर्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो जीरो होता है, जो मीन टर्म में जो जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है वो वहाँ पे वन में हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका मीन टर्म और मैक्स टर्म में। जैसे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर ये देखिए आपको ये एसओपी फॉर्म में है, पहले देख लीजिए किस फॉर्म में, ये आपका एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो एसओपी फॉर्म में होगा, एसओपी में क्या होता है, ईच टर्म मीन टर्म होते हैं। अगर तो मीन टर्म है तो जो बार को होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो को, और जो नॉर्मल रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे वन से। तो आपने ये सबका रिप्रेजेंटेशन कर लिया और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दी। इसका वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू थ्री, इसकी वैल्यू सिक्स, तो स्मॉल एम सिक्स हो गया। और उसको शॉर्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आप क्या करते हैं, समेशन एम ब्रैकेट के अंदर जीरो वन थ्री और सिक्स होता है। तो ये आपका मीन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इसी तरह होता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या, दैट इज पीओएस फॉर्म में है। पीओएस दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करके प्रोडक्ट कर दिए, सम करके प्रोडक्ट, एसओपी फॉर्म हो गया, जब सॉरी पीओएस हो गया। तो पीओएस में आपके क्या होता है, पीओएस में आपके होता है मैक्स टर्म होता है। तो मैक्स टर्म को मैंने बताया था, मैक्स टर्म में जो बार होता है वो वन हो जाता है और रिमेनिंग आपका जीरो हो जाता है। उस फॉर्म में आपने अलग अलग लिख दिया, ये आपका एम वन एम थ्री और एम सिक्स हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट समेशन से, दैट इज प्रोडक्ट समेशन कैपिटल एम वन थ्री सिक्स। सो दिस साइन डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस साइन डिनोट द सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो समेशन सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। तो इन दिस वे हमने मैक्स टर्म्स और मीन टर्म्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर लिया। आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का, ये दोनों आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। सिर्फ याद रखना है अगर एसओपी है तो मीन टर्म होगा, मीन टर्म में बार का आपकी वैल्यू जीरो होती है और रिमेनिंग को वन हो जाता है। वहीं मैक्स टर्म में बार की वैल्यू वन हो जाती है, रिमेनिंग आपका जीरो हो जाता है। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन दैट आपको क्या करना है कि एसओपी एक्सप्रेशन आपको फॉर्म करना है, कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है थ्रू टेबल के जरिए। मतलब अगर आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज दैट देयर इज ए इक्वेशन, ये आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपको थ्रू टेबल के जरिए एसओपी कैनोनिकल एसओपी या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैनोनिकल का मतलब क्या होता है कि हर टर्म में आपके सारे वेरिएबल एग्जिस्ट होने चाहिए। एक तो हमने देखा था कि डायरेक्ट उसमें एडिशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, आप उसको डायरेक्ट ट्रू टेबल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कितने वेरिएबल, वन टू थ्री, तो तीन वेरिएबल कर लीजिए, ए बी और सी, थ्री वेरिएबल हो गए। आउटपुट क्या निकल रहा है, वाई, तो आपने वाई कर दिया। आपको देखने से पता लग गया कि आपका एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो जो वैल्यू क्या है, ये आपकी मीन टर्म्स हैं। ठीक है, जब मीन टर्म्स हैं तो आप ये देखिए वेरिएबल कितने, वन टू थ्री, थ्री वेरिएबल्स हैं अगर, तो आपके कितने एक्सप्रेशंस बनेंगे, दैट इज टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू 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 द फोर, एट। दैट इज में जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके, एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एट कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके सेवन तक, जीरो से लेके सेवन तक, दैट इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपके सेवन हो गए। सेवन को कैसे हम लिखते हैं, ये हमेशा पैटर्न होता है, ये आपको इनपुट याद ही होना चाहिए, दैट इज जीरो 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 जीरो। इसमें आप पहले क्या कर लीजिए, फोर जीरो कर लीजिए, फोर वन कर लीजिए, फिर दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, और इसके बाद फिर तीसरा क्या होगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो ये आपका हो गया इनपुट वेरिएबल्स हो गए, जो आपको अपने से खुद ही लिखना है। पहला फोर जीरो फोर वन हो गया, दूसरा दो जीरो दो वन हो गया, और तीसरा आपके एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। इस तरह आपने इन ए बी सी वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यू दे दी। और ये जो वाई की जो वैल्यू आ रही है, आप देखिए इसमें जो प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म जो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें बार तो किसी के ऊपर है नहीं, इसमें जो प्रोडक्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, वन वन वन। तो जहाँ वन 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 है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देखिए वन वन वन, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, वन हो गया। नेक्स्ट देखिए बी सी, दैट इज बी सी, बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू वन है। तो कहाँ पे बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन है, यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है।
तो बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, देखो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहां जहां वाई की वैल्यू जो 1 है वो आपको जो होता है मीन टर्म्स की वैल्यू देता है, ठीक है, एस ओ पी फॉर्म में मीन टर्म्स की, जहां जहां वाई पे वैल्यू, यहां पे वाई पे वैल्यू 1 है, यहां पे वैल्यू 1 है, तो आपने दो, आपका बुलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, एक M3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, M7 हो जाएगा। M3 की वैल्यू देखिए क्या है, 011, तो आपने लिख दिया 011। M7 की वैल्यू क्या है, 111, ये आपकी ट्रिपल वन है, M11। आपको मालूम है मीन टर्म्स में जीरो को हम बार कहते हैं, तो आपका A बार, B, C, क्योंकि आपकी B की वैल्यू ही क्या है यहाँ पे, 1 है, C की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, बार हो गई, A बार हो गई। उसी तरह इसमें देखिए A, B, C, ये A, B, C, ठीक है, क्योंकि आपका एस ओ पी फॉर्म है, एस ओ पी में प्रोडक्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, इन इनका, ये इनका आपस में प्रोडक्ट हो गया और इन दोनों का आपस में क्या हो गया, आपका सम हो गया। सो दिस इज द एस ओ पी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। उसी तरह हम पी ओ एस एक्सप्रेशन को भी थ्रू टेबल के जरिए ऑप्टेन कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो आपको ऑप्टेन करना है स्टैंडर्ड एस ओ बी और स्टैंडर्ड पी ओ एस दोनों का दोनों कैलकुलेट करना है फॉर द लॉजिक फंक्शन, लॉजिक फंक्शन के लिए जिसका ट्रुथ टेबल आपको दिया हुआ, वहां तो आपको फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। तो इस ट्रुथ टेबल के जरिए आपको एसओपी का एक्सप्रेशन और पीओएस का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आपको लिखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जहां जहां वैल्यू 1 होती है वो आपका मीन टर्म्स बताता है। मीन टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से, स्मॉल एम वन, स्मॉल एम टू, स्मॉल एम थ्री, सॉरी ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 3, और ये आपका हो गया M7। तो जो मीन टर्म्स की वैल्यू है, जहाँ जहाँ वाई पे वैल्यू 1 है वहाँ पे वो आपका मीन टर्म्स हो गया, और जहाँ जहाँ रिमेनिंग आपकी वैल्यू 0 है वो आपका क्या देता है, मैक्स टर्म। जो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 10, दैट इज इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 एंड 6। तो आपने मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो सबसे पहले एस ओ पी फॉर्म में लिखते हैं, एस ओ पी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मीन टर्म। तो मीन टर्म में वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये एग्जिस्ट कर रही है और ये एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पे देखिए वैल्यू इस मीन टर्म में मालूम है, जीरो की वैल्यू दैट इज अगर 0 है तो वो बार हो जाएगा, दैट इज ए बार, बी बार, सी बार हो गया, ए बार, बी बार, सी बार हो गया, प्लस क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट करना होता है, प्लस फिर एम वन, एम वन की वैल्यू 001, दैट इज ए बार, बी बार और सी, इसी तरह आप करके इक्वेशन को लिख देंगे। उसी तरह पीओएस फॉर्म में जो M2, M4, M5 और M6 है, इनका क्या करेंगे, पीओएस दैट इज सम करके आपस में प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनका आपस में सम होगा, डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में, दैट इज 2 का क्या हो जाएगा, 2 का देखिए यहाँ 2 का है, जो 2 का है तो दैट इज 0 पे नॉर्मल होगा ए बी बार सी, ए बी बार और सी, और आपस में इनको कैसे ऐड करेंगे, एडिशन से, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, सम किया फिर प्रोडक्ट कर देंगे, उसे सम किया प्रोडक्ट, सम किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो जो बेसिक सबसे आपको ध्यान रखना है कि दैट इज एस ओ पी है तो मीन टर्म होगा, मीन टर्म्स में आपको क्या होते हैं, मीन टर्म्स में आपके प्रोडक्ट हो जाए, डिफरेंट वेरिएबल्स जो आपस में रहेंगे उनका आपस में प्रोडक्ट रहेगा वेरिएबल्स का, ठीक है। और वहीं एस ओ पी जब पी ओ एस फॉर्म में रहेगा तो पी ओ एस फॉर्म को हम मैक्स टर्म देता है, और मैक्स टर्म से आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, एडिशन रहता है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं अगर वैल्यूबल की वैल्यू 0 है तो वो बार हो जाएगा, लेकिन पीओएस में जो मैक्स टर्म देता है उसमें अगर अगर उसके ऊपर बार है, अगर उसके ऊपर बार है तो वो वैल्यू सी रहेगी, नॉर्मल रहेगा, और वैल्यू अगर 1 है तो उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पे आपके बार हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज एम सिक्स पे, यहाँ पे आपके 1 है तो 1 पे आपका क्या हो गया, बार हो गया, ठीक है, M6 यहाँ पे है तो 1 पे आपका क्या हो गया, A बार हो गया, B बार हो गया, और ये आपका 0 0 पे आपका नॉर्मल C हो गया, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक टर्म्स आपको याद रखने, और कोई भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कार्नाफ मैप सिंप्लीफिकेशन, जो कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका जितना भी आपने जो भी आपको रिजल्ट होगा वो इस कार्नाफ मैप में आपको दिख जाएगा, ओके। तो आप इन चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द कार्नाफ मैप।